दोस्तों आजकल बहुत एक टर्म यूज होता है जियोपैथिक स्ट्रेस, और दूसरा टर्म जो यूज होता है वो है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया पुणे, मेरे को एक क्लाइंट ने बुलाया कि सर एक बार आइए हमको अपना घर चेक कराना है, और काफी देर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को पूरी समझाया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। 1.5 महीना पहले उन्होंने घर लिया, और घर लेते ही उन्होंने किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और वो एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके आया उनके घर पे जो मेरे क्लाइंट थे। और आके उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट ने पूरे घर को स्कैन किया, चेक किया उस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से, और चेक करने के बाद उन्होंने जो मेरे क्लाइंट थे उनके बेडरूम में, वो वास्तु कंसल्टेंट ने बोला कि आपके बेडरूम में जियोपैथिक स्ट्रेस है। उन्होंने बताया कि वास्तु कंसल्टेंट जो थे उन्होंने बताया कि आपको रेमेडी करानी पड़ेगी, आपको कोई रॉड लगानी पड़ेगी उसके कॉपर के या ब्रास के जो भी हैं वो आपको ब्लॉक करने वाले कुछ आते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो रॉड के ऊपर कोई पिरामिड लग के आता है, उसमें लिखा होता है किचन ब्लॉकर, डोर ब्लॉकर, इस टाइप से आपको वो यूज करना पड़ेगा। तो आपको जियोपैथिक एक तो स्ट्रेस के लिए करना पड़ेगा और आपको डोर ब्लॉकर पता नहीं क्या ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा। तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर और जो लेके आया था और जिसने जियोपैथिक स्ट्रेस उनके घर में बताया, उन्होंने 10-12 दिन बाद ही एक दूसरे कंसल्टेंट को बुलाया। जब वो दूसरा कंसल्टेंट आया तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि फर्स्ट कंसल्टेंट कोई आया क्या कराया। उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम जियोपैथिक से मतलब फर्स्ट टाइम वास्तु करा रहे, और उसके बाद वो कंसल्टेंट आया, उन्होंने आके कंसल्टेंट ने चेक किया और वो जैसे ही मेन गेट में अंदर घुसा, घुसते ही उसने अपना यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर निकाला जो दूसरा कंसल्टेंट उन्होंने बुलाया। उसने घुसते ही वहां पे अपना मेन गेट पे उसने कहा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मैं अब चेक करता हूँ। उन्होंने कुछ सैंपल्स जिसको बोलते हैं, मेरे पास है सैंपल का, इस टाइप से ये बॉक्स आता है सैंपल्स का, और इसमें ये अलग अलग इसमें नाम भी लिखा होता है कि ये सन को चेक करने का है, मून को चेक करने का है, ये राशियां चेक करने का है। इसमें इवन दोस्तों कैंसर तक वो चेक कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर सब फेल हो चुके हैं। अब यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर कुंडली भी चेक कर रहा है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर आपका कैंसर चेक कर रहा है, बीमारियां चेक कर रहा है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर घर भी चेक कर रहा है आपका, मतलब ये एक ऑलराउंडर डिवाइस है जो सब कुछ चेक कर रहा है। खैर बाद में आएंगे उस बात पे। तो उन्होंने वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर अपना निकाला, उन्होंने जियोपैथिक पहले नेगेटिव वाला कोई सैंपल होता है इनका, और ये दोस्तों डिबिया जो होती है ना खाली होती है अंदर से, इसमें सिर्फ इसका कोड लिखा रहता है, इसमें दोस्तों लिखा रहता है कि ये कौन से बॉक्स का कौन सी नंबर सैंपल है, बस इतना लिखा रहता है कि ये बॉक्स नंबर 1 का सैंपल नंबर 2 है, ये अंदर इसकी पर्ची में लिखा होता है। और ये सारी जो भी आपकी बॉटल्स हैं, जो भी ये सैंपल सो कॉल्ड सैंपल है, ये सारे एम्प्टी होते हैं, इसमें कुछ नहीं होते, खाली सैंपल है। तो उन्होंने खैर वो नेगेटिव एनर्जी वाला वो सैंपल लगाया अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर में और उन्होंने स्कैन किया। उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जब उन्होंने वो स्कैन किया तो उनका जो स्कैनर था ये इस टाइप का यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर कुछ ले रखा हुआ उन्होंने, ऐसे उन्होंने ऑन किया उसको, पहले ऐसे करके कुछ चार्ज किया और फिर उन्होंने ऐसे करके दिखाया उसको कि ये तो बहुत नेगेटिव है, और फिर उन्होंने वहां पे उसमें लगाया जियोपैथिक स्ट्रेस का कि मैं यहाँ पे सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा वास्तु कंसल्टेंट ने कि अगर यहाँ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप। तो अब किसी आदमी ने 1.5 महीना पहले कोई मकान खरीदा है, उसकी लाइफ टाइम की मतलब उसमें जो सेविंग्स है वो लग गई है, और उसके बाद कोई कंसल्टेंट आके ये बात बोल दे कि ये तो आपको बर्बाद कर देगा, तो दोस्तों काफी हर्ट होता है आदमी, काफी दुख पहुंचता है उसको। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा और रिसर्च करी इस चीज पे कि ये जियोपैथिक, और उन्होंने फिर उसको उनको डाउट ऐसे हुआ क्लाइंट को कि पहले वाले ने बताया बेडरूम में है,
दूसरे वाले ने बताया मेन डोर पे है, अब बिलीव करें तो किस पे करें। सेकंड वाले ने भी कहा कि रॉड लगेगी और ये ब्रास की रॉड लगानी पड़ेगी, कॉपर की रॉड लगेगी, डोर को ब्लॉक करेंगे, ये करेंगे, जो भी कुछ उसने बताया। तो खैर उन्होंने थोड़ा रिसर्च और करी, अब फिर काफी रिसर्च करने के बाद वो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया मेरे को, मेरे से काफी देर उनकी बात हुई, उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अब मैं समझ गया था दोस्तों कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर ये किसी काम का नहीं है, ये एक फेक जिसे कहते हैं स्कैम चल रहा है जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पे। क्योंकि 10 साल पहले जियोपैथिक स्ट्रेस कहीं नहीं था, शायद 1000 में से एक आदमी कोई बीमार होता होगा जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से, और ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ दोस्तों मैं, शायद 10,000 में एक आदमी बीमार होता होगा जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से, जिसके घर के नीचे एक्चुअल में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा। और अब दोस्तों जियोपैथिक स्ट्रेस हर घर में मिल रहा है, हर वास्तु कंसल्टेंट ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके जाता है और जाके पहले उसको बता देगा कि ये तो ओहो ये तो नेगेटिव है और ये ऐसे, उसके बाद वो करेगा हाँ 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 ये पॉजिटिव हो रहा है, फिर वो अपनी एक रॉड रख देगा, रॉड रखने के बाद दोस्तों वो कहेगा ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, ये देखो ये कैसे खुल गया, ये 100% पॉजिटिव हो गया। और ये तो पहले जाएंगे वो बताएंगे ये तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, यहाँ पे ही ऐसे हो रहा है, ओह यहाँ तो नेगेटिविटी है, फिर वो अपनी एक रॉड रख देंगे और वो कहेंगे ये देखो अब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से ये स्कैम चल रहा है दोस्तों जियोपैथिक स्ट्रेस। खैर मैं वहां पहुंचा और मैं दोस्तों ये रिसर्च करता हूँ, मेरे पास ये सैंपल आते हैं, बहुत सारी कंपनियों वाले सैंपल देके जाते हैं कि हमारे ये ऑरा स्कैनर को चेक करो, हमारा अच्छा है, अलग अलग टाइप्स के आ रहे हैं, अलग अलग कोई डिजिटल बना रहा है, एक मेरे पास आया दोस्तों उसमें साथ में टैब भी है और टैब मेरे को दिखे गए कि ये इसमें यहाँ पे एक पहले तो छोटी सी स्क्रीन यहाँ पे है और उसमें उसके साथ एक टैब भी है कि इसमें डेटा भी आएगा पूरा, तो और वो डेटा भी मैं असली जानता हूँ उस चीज की कि क्या डेटा आ रहा हो। तो मैं वहां पे पहुंचा दोस्तों और मैं ये स्कैनर लेके गया, मैंने वहां जाके उनको स्कैन किए, मैंने पहले अपना जो मेरा प्रोसीजर है मैंने अपने पहले प्रोसीजर से पूरा उनके घर को चेक किया कि क्या क्या पॉजिटिव। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे वहां पे जो वाइब्रेशंस मिली मुझे वो 11,200 से ऊपर मिली, मतलब अगर किसी घर के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस हो 600 मीटर के नीचे भी होना दोस्तों, तो वहां पे वाइब्रेशंस जो मिलती है हमारे को, अर्थ वाइब्रेशंस जो मिलती है वो 6,000 7,000 8,000 तक मिलती है अगर 600 मीटर नीचे भी हो, वहां पे मिल रही थी मुझे 11,000 से ऊपर। खैर मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, और उसके बाद फिर मैंने अपना उनको बोला कोई बात नहीं सर आपको रॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए ये पेन वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने पेन उठाया, मैंने यहाँ पे आप उन्होंने जियोपैथिक से बताया और ये मैंने पेन रख दिया और उसके बाद मैं ये चल के आया, मैं उनको बोला मैं ये इनको ऑन किया, मैंने कहा सर अब मैं देखता हूँ यहाँ पे स्ट्रेस खत्म हुआ कि नहीं। और मैं वहां गया दोस्तों और मैंने वहां पे ये खोल के दिखा दिया, ये देखो सर आपका जियोपैथिक स्ट्रेस बिल्कुल जीरो। और वो जो जियोपैथिक स्ट्रेस जब उन्होंने बताया था तो उन्होंने कहा ऐसे हो रहा है तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो जियोपैथिक स्ट्रेस पे आ रहा है, नेगेटिविटी पे आ रहा है, जियोपैथिक स्ट्रेस पे आ रहा है, हर चीज वहां पर नेगेटिविटी थी। और एक पेन रखते ही वो जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो गया। दूसरा उनके कमरे में जो वहम था वो कमरे का भी वहम मैंने दूर करा, मैंने वहां पे भी लेके गया, मैंने कहा सर यहाँ पे भी चेक करते हैं कमरे में भी, वहां पे भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई भी आप मेरे को कुछ भी अपने घर में सुटा के दे दो, मैंने कहा आप पूछा क्या लाए हम, मैंने कहा कटोरी दे दो, ग्लास दे दो, कुछ भी दे दो। खैर वो ग्लास लेके आए तो ग्लास रख के मैंने कहा नहीं यहाँ ग्लास रख दीजिए जहाँ पे भी उन्होंने जियोपैथिक स्ट्रेस बताया, और मैंने कहा पहले आप ग्लास हटाइए एक बार मैं पहले चेक करता हूँ। खैर वहां पे मैंने चेक किया वो जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसे ही आ गया कि तो आ रहा है, और उसके बाद मैंने वहां पे ग्लास रख पाया, उनका भी ग्लास रखिए। खैर वो ग्लास रख के मैंने वो चेक किया वो तो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गया, मैं कहा ये देखो कितना बढ़िया पॉजिटिव है। तो अब दोस्तों कुछ कुछ उनको भी समझ में आया कि ये चल तो कुछ चक्कर रहा है,
ये तो कोई चक्कर है। फिर मैंने उनको पूरा समझाया कि ये आजकल यूनिवर्सल और स्कैनर, और ये दोस्तों इसमें सैंपल के जो ये बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल एम्प्टी है, ये यूजलेस है, ये सारी चीजें जो इसमें आ रही है ये अलग 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 इसमें आ रहा है, क्या कहते हैं मार्स का है, सारे प्लैनेट्स इसमें दे रखे हैं कि प्लैनेट्स अगर किसी आदमी के चेक करने हैं, इसमें 32 देवी देवता दे रखे हैं, इसमें सारी डायरेक्शंस के इन्होंने सैंपल, और सैंपल के नाम पे दोस्तों ये देखिए ये सारे खाली है, ये ना इसके अंदर सिर्फ ये इनकी कोड वाली पर्चियां हैं, ये इस पे इनका कोड लिखा हुआ है, बॉक्स नंबर 4-3 नंबर डिब्बी है, ये सिर्फ ये है दोस्तों इसमें जो, और ये जो बेवकूफ बना रहे हैं जियोपैथिक स्ट्रेस और यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, दोस्तों ध्यान रखिए कि ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले जितने आपको कंसल्टेंट मिल रहे हैं ये 100% फेक हो रहे हैं आजकल। तो मेरे पास जितने भी आज तक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर आए हैं चेक होने के लिए एक भी वैलिड नहीं था, और वो जो सप्लायर है जो देने वाले हैं वो बोलते सर क्लाइंट बहुत खुश होता है ये इतने सारे सैंपल देख के, ये खाली डब्बियां देख के अगर आप दोस्तों खुश हो रहे हो तो ये बहुत गलत है। सतर्क हो जाइए दोस्तों, ये सतर्क होने का टाइम है, ये बेवकूफ बनने का टाइम नहीं है। और वो रॉड्स भी देखे गए दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सैंपल आए हुए रॉड्स के भी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगवा दो रॉड दो सर, ये 500 रुपए की 400 रुपए की रॉड है, ये 5000 की 6000 की बड़े आराम से बिकती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जो पुणे में मैं गया था वहां पे जो जिस कंसल्टेंट ने उनके बेडरूम में डिफेक्ट बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेवल का है, यहाँ कम से कम 10 रॉड लगेंगी, मतलब वो 50,000 रुपए 1,00,000 रुपए रॉड्स के नाम पे ही ले रहा था, और वो आया था 1,000 रुपए लेके दोस्तों के, 1,000 रुपए में मैं आपके घर पे विजिट करूंगा, मैं पूरा चेक करूंगा आपके घर को, जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करूंगा, और वो एक ही चीज चेक करते हैं सबसे ज्यादा जियोपैथिक स्ट्रेस। और दोस्तों मेरे हिसाब से जयपुर में ऐसा हुआ था, एक किसी कंसल्टेंट ने खिड़की में जियोपैथिक स्ट्रेस बता दिया था कि आपकी ये खिड़की नेगेटिव है, इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस है। खिड़की में कैसे जियोपैथिक, जमीन से आता है दोस्तों जियोपैथिक स्ट्रेस, खिड़की से नहीं आता। सतर्क हो जाइए दोस्तों, ये सतर्क होने का टाइम है, ये बेवकूफ बनने का टाइम नहीं है, और इस ऑरा स्कैनर के धोखे से बच के रहिए दोस्तों, ये फ्रॉड घूम रहे हैं आजकल ऑरा स्कैनर वाले, इनसे बहुत बच के रहिए, वरना ये आपसे 150,000 रुपए ले जाएंगे सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पे। साउथ वेस्ट में आपके जरा सा इफेक्ट बता देंगे और आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिखी हुई रॉड दे देंगे, उस पे लिख रहा होगा SW, और ये लगा लो जी साउथ वेस्ट में सारे डिफेक्ट दूर हो जाएंगे। और उन रॉडों में दोस्तों मैंने काट के देखी थी, मैं आपके वीडियो शेयर करूंगा, वो रॉड में अंदर स्टोन डस्ट भरा हुआ है, जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान होता है उसमें स्टोन डस्ट आता है, वो स्टोन डस्ट भरी हुई रॉड्स आती है दोस्तों, एक भी रॉड में कहीं क्रिस्टल नहीं मिला। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगली बार अगर आपके आगे भी कोई ये स्कैनर लेके घूम रहा है तो उससे जरूर एक बार बोल दीजिएगा सर मुझे भी चेक करना है। दोस्तों ये अपने आप हिल ही नहीं सकता, जब तक मैं इसको अपने हाथ के इशारे से नहीं हिलाऊंगा ये हिल ही नहीं सकता, ये अपने आप ऐसे ऐसे मैं पॉजिटिव भी बना सकता हूँ, मैं इसको घुमा के नेगेटिव भी बना सकता हूँ, ये बन गया नेगेटिव दोस्तों, और ये इस तरीके से वो कर देते, ये तो ये तो बहुत नेगेटिव हो गया, एक सेकंड में पॉजिटिव हो गया, एक सेकंड में वहां पे रॉड रखी वो नेगेटिव हो गया। दोस्तों ये सिर्फ हाथ की सफाई है, बच के रहिए ऐसे कंसल्टेंट से। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।